उसका का नाम बतावला? बैजू। हाँ बैजू, बढ़िया नाम बा। कवन गांव के बड़ा? ओ मछरियावा। का कौन गांव? मछरियावा। हाँ बढ़िया नाम बा। गुरुजी मछरी या वा? हाँ 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 बुझा गईल। आवा बैठा। अच्छा बतावा तुहार बाबूजी का करेलन? साइकिल चलावेले। साइकिल चलावेलन? जी दिन भर साइकिल चलावेले। दिन भर साइकिल चलावेलन काहे? कोनो विश्व रिकॉर्ड तोड़े के बा का? ना वो उनकर बिजनेस है, वही से हमने के परिवार चलेला। बिजनेस बा? साइकिल चलावल कवन बिजनेस बा भाई? मतलब साइकिल पर टांग के खिलौना बेचेले। अच्छा अच्छा जी। ओकरा से घर के खर्चा चल जाला? वाह। हाँ थोड़ा सा बोवे खाए भर जमीन भी बा, और बाबूजी हमके पढ़ाईयो देले बाने। हम बीए पास हैं। तू बीए पास बड़ा? तब तू कुल काम का करबा? हम करब गुरुजी, आप एगो मौका देके देखी ना। अरे नाच तो हमरे खून में बा, हम इतना नाचब इतना नाचब इतना नाचब। बुझा गईल। चाहे जे हो जाए पर तू नचबा जरूर। हाँ गुरुजी, अब देखी ना बीए कैले के बाद भी कोनो नौकरी मिलल ना, और बाबूजी हमके लेके बहुत परेशान रहले। अभी थोड़ा नाच के पैसा वैसा मिली तब बाबूजी के भी हम मदद करो, बस एक मौ। ठीक बा, काल से तू ट्रेनिंग में आ जा। ठीक है गुरु जी। ठीक प्रणाम। खुश रहो। महाराज जी हम गईबो करीला। अच्छा तनी सुर पकड़ी ना। बहुत बढ़िया। लौंडा काम के बा। अरे काम के ना काज के, दुश्मन नाच के। खबरदार जो नाचे गावे के नामो लेलस। तोहर माई बाप बहुत कलाकारी करके देख लेले बा। अरे भीख मांग के जिए के चाहता? हाँ? यही दिन खातिर पढ़वा ले रही? नालायक कहीं का, कोनो काम न करी, नाच गाय के भीख मांगी। अरे सनक गईल बा तू। हाँ? यही ले सारा गांव ताना मारेला। पढ़ा लिखा के का मिलल? हाँ? अब सबके सोझा नाची। नालायक कहीं का। एक बात कान खोल के सुनला भैजू, कुल बेच बाच के पढ़ले बानी तोरा के। आप जाके कुछो काम खोज और घर चलावे के बारे में सोच। अरे आपन नहीं तो आपन बहिन के बारे में सोच, ओकर हाथ पियर करे के बारे में सोच। अगर जे नाच गाए के प्रोग्राम भइल तो ठीक ना होई, कहे देता नहीं ना लायक। सुनतानी नाचे गावे के कहावा तैयारी करत बाड़े? शादी ब्याह छठी बरही जहां बोलाई लोग वहीं जे जाके नाच गा दे। कलाकार बनल कोनो गुनाह बका है? देखियो महेंद्र मिसिर और भिखारी ठाकुर के सपना साकार करो। अरे दुआरे दुआरे जाके काम के भीख मंगला से तो अच्छा बा, आदमी नाच गा के पैसा कमाई। तू देखिए नाच गा के इतना रुपया कमाई कि जितना कुल झोपड़ी है ना सब महल बना दे।
और ओकरा बाद अपना बहिन के बियाह पूरा धूमधाम से करब। अच्छा, फिर जब मास्टर साहब के पता चली कि बैजुआ लौंडा नाच करता तो तुरते बियाह काट दी है। हाँ, ओकर बाद ढूंढत रही है आपन बहिन खातिर बढ़िया लड़का। सबके हमार ब्याह की फिक्र बा भैया, बाबूजी के एकरा अलावा कोनो दूसरा सपना नहीं के आवत। त समझ ले कि सपना साकार हो गई, काले से प्रैक्टिस शुरू करे जाता है। सच्ची सच्ची, ये तो हम पहले से ही जानत रहे कि हमार बैजू भैया बहुत भारी कलाकार बाड़े। बुझतानी, बढ़िया से समझतानी कि तू दोनों जने का कहे के चाहताड़ा। हे माई, एगो बात कही सुनना सुनना। उमी सिर जी वाला गनवा एक बार गाओ ना, तोरा मुंह से बहुत अच्छा लगेला। एक बार गाओ ना माई। ना बाबू, ना। जब से तोहर बाबूजी मना कैले बाड़े, हम तो गुनगुनौलो नहीं की दोबारा। उस समय कुछ और रहे बाबू, हम उनके संगे गावत रही। अब सब खत्म हो गए बाबू, सब खत्म हो गए। केहू को दवाई हो गोदनवा, केहू को दवाई हो गोदनवा, केहू को दवाई हो गोदनवा, केहू को दवाई हो गोदनवा। भैया का करेला ऐसन, फिर रुला दिला ना माई के। हम का करी रे, माई बाबू के बचपन में गावत देखले रहनी ना, हमरे दिमाग से निकलबे ना करेला। अच्छा तू बता, जेकर माई कलाकार, जेकर बाप कलाकार, ओकरे खून में कलाकारी बा, तब तो उफान मरबे करी ना। पर जाना तारी, हम के गावत देख के ना माईयो खुश होले। हाँ काहे कि वो अपना अंदर के कलाकार हमारा अंदर देखे ले। के बेसी ट्रेनिंग के जरूरत नहीं के बुझात, पैदाइशी नचनिया बाड़ा। चला अगला प्रोग्राम खातिर तैयार रहिया। ठीक बा महाराज जी। महाराज जी हम गईबो करब। जरूर जरूर। और भैया कैसन रहल ट्रेनिंग? अरे का ट्रेनिंग, महाराज जी कहले कि हमके ट्रेनिंग के कोनो जरूरते नहीं के, काहे कि हम तो फैदाइशी कलाकार हैं। अरे ये तो हम पहले से ही जानत रहनी। अरे हाँ, बाबूजी पूछत रहन कहवा बा कलाकार। अच्छा तो तू का बोलू? अरे का बोली, हमें ही कहानी हाँ कि काम ढूंढे गेल बा। ए बैजू, ई जो तहरा भीतर कलाकारी फड़फड़ा रहल बा,
उकरा के शांत करा। दूसर काम धंधा खोजा, तू तो जानत बड़ा तोरा बाबूजी के ई सब बिल्कुल पसंद नहीं खे। तोहार बाबूजी तोहरा से ढेर असरा लगा के बैठल बाड़न। असरा लगल रहे दिमाई, काहे की भरपाई जल्दी होके वाला बा। हाँ, भरपाई जल्दी होके वाला बा। अरे ऐसा कौन काम करा था बैजुआ जो घर आवे के फुर्सत नहीं खे है? चंदा, अरे चंदा सुनाई नहीं खे देत? कुछ पूछा था नहीं, कौन काम करत बा बैजुआ? आप अपने आई तब बताई। अरे बीए पास बा, कोनो बढ़िया काम मिलल हुई और का? कई दिना से देखा था नहीं, कबो दिन में गायब तो कबो रात में ड्यूटी, ऐसा कौन चाकरी करे लागल बा? हा? तरा पूछे के ना चाहिए ओकरा से? हाँ हाँ ठीक है, पूछ ले, चल खाना खा। रुका, तू दोनों माई बेटी कान खोल के सुन ली बात। ऊ जब आई तो ओकरा से एक बात साफ साफ बता दिया, हमार मर्जी के खिलाफ ई नाच गाना के चक्कर में पड़ल तो ठीक ना हो, बताए देता नहीं। चल कारे, भोज के दिन तो कोहरा रोपल सुन ले रहे, आज ब्याह के दिन निमंत्रण बांटल भी देख ले ली। अरे तोहरा के का लगता हम भैया जी नहीं चपरासी बानी कारे? भैया जी ई बात खातिर हमरा के क्षमा कर दे, लड़की के ब्याह बा, रहुआ लोग आए तो हमार इज्जत बढ़ जाये सर समाज में। ई देखी ललनो बाबू के भी यही बेरा न्योता देवे जाता नहीं। ए, ललनुआ उलनुआ के बात हमारे सामने मत करा, समझना ना। अच्छा ये बतावा कि ब्याह में कोनो प्रोग्राम उड़ाम के सट्टा केले वाला कि ना? ब्यास जी के सट्टा दियाइल बा भैया जी, अब रहुआ लोग की खुशी के खातिर हमरो कुछ करे के चाहे नू यही सोच के। कलुआ ब्यास जी के टीम में ललित बाबा ना? जी भैया जी। हाँ ब्यास जी बतावत रहन आपकी कोनो नयका आइटम बा पार्टी में। नयका आइटम बा? लबा लबा चल न्यूता मंजूर भाई। जी भैया जी। कलुआ
चल देखल जाए कि नई का आइटम में कितना दम बा। और सुन, पता कर ललनवा जाता कि ना है? जी भैया जी। देख बिटिया के बियाह बा, ये खाते तार नेवता स्वीकारा तानी, न तो कोनो तरीका नहीं खे कि बियाह के दिन तू नेवता देवे। ठीक है, बिटिया के आशीर्वाद देवे खातिर हम आ जाए, लेकिन एक शर्त पे कि हमार कुर्सी नाचे वाले के ठीक सामने हुए के चाहिए, और भैया जी के तो आस पास भी ना, या तो उकरा से आगे या उकरा सामने, बुझले? जो ए मालिक, जल्दी जल्दी चलल जाओ, नहीं तो भैया जी के कौनो भरोसा नहीं के, सब जगह छेक लिया जा। मालिक हम तो कहता नहीं, जल्दी जाके अपने जगह धाय के बैठ जाई जा। अरे चुप उड़बक, केहू कहूए बैठे, लेकिन ससुर नाच तो हमरे बंदूक के नोखे पे हो। भइल जिंदगिया पहाड़ ऐसन बेदर्दी से जोड़ली सनहिया, कि भइल जिंदगिया अन्हार। क्या बात बा, वाह, अंगूरी में डसले पिया नगिनिया रे नंदी पिया राजा राधा, अंगूरी में डसले पिया नगिनिया रे नंदी पिया राजा राधा, पिया राजा राधा अपन भैया के के जगाता, पोरे पोरे उठे लाल हरिया रे नंदी पिया राजा राधा। अहंगुरी में डसले पिया नगिनिया रे नंदी पिया राजा राधा। पूर्व गईनी रामा पश्चिम गईनी से, सहरिया रे ननदी पिया राजा राधा। अंगूरी में डसले पिया नगिनिया रे ननदी भैया के बोलादा, अरे इतना सन्नाटा का है भाई? रे बजुआ रे, अरे तनी ठुमका लगा के नाचना रे।
कारे बजुआ, अरे ससुरा नाच नाच ससुरा नाच। दहिया जैसे चल बिन मछरिया रे, तड़पे लदहिया जैसे चल बिन मछरिया रे, रेंगनी के कांच भइल से चरिया रे, ननदी भैया के बोलादा। कारे बेजुआ, तहरा के हम नाचे खातिर बोले बोले रहे, गावे खातिर ना। अरे नाच अब सकारने के मालिक, हम थक गए नहीं, अब हम ना नाचब। थक गई ले आओ एने, अब बैठ और सुस्ता। आई बे आओ 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 आओ, बड़ा सुंदर बने। कपार तनी को ठंडा नहीं खे होत, तनिया गरमा गएल होई, जा दूसर ले आ। माई, भैया के डॉक्टर बीड़ी ले जाए के पड़ी, केहू कब बुला लिया ही ले जाए खातिर के आई अकेले के जाए। गांव टोला के लोगन में तनी को इंसानियत बचल रही था, हमार बाबू के ई दुर्दशा ना होत। हजार दू हजार लोग जुटल रहे नाच देखे खातिर, उकनी सोजा हो दुराक्षस हमरे बाबू पर इतना अत्याचार कैलेस, क्योंकि हिम्मत भई लोकरा रोके के। हाँ बाबू, बउआ बाबू, हाँ तू ठीक है? आराम से आराम से आराम से। का भल चंदा? भैया तो बेहोश हो गए रहा, हमके यहाँ के ले गए। हमने दोनों और के लाए बाबूजी।
खैर करा कि शहर से लौटी ले नहीं खन लौटी है तो पता ना का हुई। तोरे भैया के आखिरी प्रोग्राम है, बाबूजी अपन मेहनत के कमाई लगा के हमरा के पढ़ावत रहे, लेकिन हमार मन नाच गाना में लगत रहे। बचपन से हमार सपना रहे कि हम बहुत बड़ कलाकार बनी, भिखारी ठाकुर जी के विधा के आगे बढ़ाए, अपने गांव जिला जवाहर के नाम रोशन करी, लेकिन बाबूजी सही कदरा ले कलाकार बन के हमके कबो इज्जत ना मिली। चन्ना हम बहुत दिल से नाचत रहे और सब लोग ताली बजा के हमारा स्वागत करते हैं। हमारा के लगा कि हम कलाकार बन गए, हमारे पैर सिलाई मशीन की तरह घुंगरू के साथ थिरकत रहे माई, लेकिन लेकिन छोटी सोच के लोग नीच कर कलाकार के इज्जत ना कर सके ललो, और जो नाकाम इज्जत नहीं के ना काम हम के नहीं के करेंगे माई, वो काम हम के नहीं के करेंगे। हाँ बाबू, जौन काम में मान सम्मान ना हो वो काम कभो ना करे के चाहिए, तो दूसर काम ढूंढा और ये अपन घर बसावे के सोचा। हम अपना खातिर ना माई, हम अपना बहन खातिर नाचत गावत रहे। हम सोचने कि नाच गा के बड़ कलाकार बन जाए तो बहुत पैसा कमाए और अपने बहन के शादी धूमधाम से कर। लेकिन चंदा अब तोहर भाई हार गए, हम फैसला कर लेने वाली आज के बाद भैजू कब आना नाची। अरे किशन देख ले है तोहर बेटवा कमाल का नाच करत मरते, लौंडा बनकर ऐसन नाचत गावत बा, ऐसन नाचत गावत बा कि बड़ बड़ लौंडिया शर्मा जाए थई थई था। और बाकी लल्लन बाबू
और भैया जी के आन के लड़ाई में पिसा गईल। बेचारा के साथ बहुत जुलम हो गए, भारी जुलम हो गए। घर परिवार के इज्जत माटी में मिलाई के बेचारा दुई पैसा कमाए खातिर लवंडा बनल, ओकर ही गति हो गई। जौनो भइल ठीक ना भइल। ना ना जौनो होके बाकी ई सब चक्कर में फेमस हो गइल बैजुआ, हर तरफ चर्चा करम बा। अरे चाचा पैसा ना चिगा के पैसा कमाए चल रहा, इज्जतो नसा गइल। आपन तो आपन सार घर जवान सबके इज्जत बर्बाद कर देलन, जवान बहिन घर में बैठल बिया ओकरा बारे में तो सोच ली। लवंडा बदनाम हो गए। हाँ। लवंडा बदनाम हो गए। हाँ सर नमस्ते, हम बैजू बोलत हनी सर। हाँ सर आपसे बात भइल रहे ना काम खातिर के, हमके काम दे दी सर, हम बहुत मेहनत करब। एक्सपीरियंस तो कोनो नहीं के सर, लेकिन हम कर लेब सर, बस आप हमके एक मौका दीना सर। कौनो मौका ना मिली तारा, मुंह दिखावे लायक नहीं के छोड़ला तू हमनी के, इज्जत नीलाम करवा देला गांव टोला में, यही दिन खातिर तारा पढ़ावले लिखावले रानी नालायक, यही दिन खातिर। अरे काम ढूंढे के बदले लौंडा नाच करे गईल रहला, मना कैले रहनी ना तारा के, घर में जवान बहिन बिया ओकरा ख्याल ना आइल। मास्टर साहब के पता लगी तो का सोची हन, कौन करी ओकरा के साथ शादी, जौन घर के लड़का लड़की बन के नाची ओकरा घर में कौन शादी ब्याह करी। अरे नीचे का देखा ताला, चल निकल यहाँ से, निकल निकल यहाँ से निकल। भैया और आज के बाद तू हमरा खातिर मर गईला। रवा ऐसे काहे बोलता नहीं, आज से बैठ तू मत बोल, बता देता नहीं आज के बाद घर में ही रही या हम। चल चल निकल, तू निकल, तू जा ब्यास जी के पास, उनकरे तलवा चाट, उनकरे साथे नाच का, निकल चल निकल निकल यहाँ से निकल। बैजू हम तो कला के पुजारी बानी, ये कला के परखे वाला लोग बहुत कम हो खेले, ई तो हमनी के मजबूरी बा कि आपन कला के जिंदा रखे खातिर ओके हम बेच देवे नी चंद रुपया खातिर, और इहो जाने की कोशिश ना करी कि इके खरीदे वाला कवन बा।
बैजू, कल जे भइल बहुत गलत भइल। अरे, दू दबंग मिल कई के एक निरीह कलाकार के ऊपर अपन मर्दानगी दिखाई ले, ई बहुत शर्मनाक बा। यही कारण हा कि लौंडा नाच, जेकरा हमेशा सगुन के रूप में जानल जात रहे, वो आज अपन समाज से विलुप्त होखल जाता। बचावे की बहुत कोशिश कही नहीं, लेकिन मुश्किल बुझाता। का करल जाओ, तोरा के नाचे के मौका का देनी, वो ललितवा आश्रम छोड़ के अपन घर चल गई। तो रावल ओकरा के इतना बुरा लागल कि वो कसम खा लेलस कि वो कब्बो न नाचे। अरे वो ललितवा के साथे कितना बेर गलत भइल बा। बैजू, तोरा से हमनी के बहुत उम्मीद बा। हमनी के लागे लागल कि ही कला एक बेर फिर से जिंदा हो जाई। आपन बिहार में ही ना, पूरा भारतवर्ष में भी ना, सारा विश्व में तू आपन नाम कमाईबा। नहीं वैसे ने होखे ये जरूरी तो नहीं के। बैजू, ये आश्रम के तू आपन घर समझा। तोहार बाऊजी के गुस्सा ठंडा हो जाए तब हम उनकरा से बात करब। ना करो जी, बाऊजी से अभी कोनो बात नहीं के करेंगे। बाऊजी से तब बात करेंगे जब कुछ बन जाए। उनकर भी कोनो गलती नहीं के, तो हमके थबरिया भी देते तो हमके बुरा ना लगे। गलती तो सरासर समाज के बा, अभी समाज के कुछ बन के दिखाई, कुछ करके दिखाई। ससुरा बेजुआ जाके ओकरा के गोद में बैठ के जाके ललनमा के गोद में हमार तो इज्जत चल गई। अरे उ गलती से आसमान में चल गई फायर, नहीं तो उड़ा सीने में ठोक देती गोली ससुरे के। बाहुर तो हमरा भी बहुत लागल मालिक। अरे हमरो के भी मन में आयल कि सरवा के गर्दनवा पकड़ के लाल कर दे। हमर गर्दन तो बेकार है, वहां तक कुछ नहीं करे तू सब ना मर्द कहीं के। ए बलुआ, अब बजुआ का नाच जो है ना अपन दरवाजा पे होके का चाहे। ठीक बा मालिक, जरा पता करिए तो कहां बाटे वो। बाबूजी, बाबूजी,
बाबूजी खाना खा ली? रहे दो, भूख नहीं है। अब ऐसे भूखले रहे से कैसे काम चले? हाँ भूखे ही जाए। कहीं जाइयो के मन करत अका? चंदा हाँ अब जौन हो गइल बा ओकरा के दिल पे धाके काहे बैठल बानी? सब कुछ भुला के आपन काम करी। वही भुलावे के कोशिश में लागल बानी, बाकी कौनो काम में मन नहीं खे लागत। हमरा पता बा बैजुआ के दिलो जान से चाहेला रउआ, उहा तो रउआ के भगवान मानत रहे। रउआ के कौनो कसूर नहीं खे, और बैजुआ भी का करित, काम नहीं खे ढूंढले। उ कितना जगह गईल, बाकी नौकरियों तो मिले के चाही। ऊपर से रउआ बीए पढ़ा देनी, अब इतना पढ़ लिख के कोनो मजदूर की नौकरी ना नू करी, और कछु काम ढंग के मिल जाए तो करिए ली हित। बाबूजी रोटी सब्जी के संगे पानियों राखल बा, जरूर से खा ले। मान तो गेले रहे बेजुआ, रवा के आवे से पहले हमरा से कहत रहे कि कबो ना नाची गाई। अब काम करे, खाली काम। होकरा के अपने कैला पे बहुते पछतावा रहे, हरे काम खातिर सबके फोन लगावत रहे। तो तू हमरा बतौलू हका है ना? रवा कबो कुछ सुनत रही, वो फोन पर बतियावत रहे और रवा औते शुरू हो गई। नी जाने लू बैजू के माई, ओकरा जाए के बाद हमरो कौनो काम में मन ना लगत बा। बड़ा उम्मीद रहा बैजुआ से, दिन रात मेहनत करके ओका पढ़ौले रही, कुछो बड़ा काम करी, हमार नाम आगे बढ़ाई। अब कितना दिन हम पुरान साइकिल में खिलौना बेचत रहा। सोचले रही कि बैजू कुछ हो करी तो घरे में बहू ले आई, चंदो के हाथ पीर कर दे। अरे तब आप कहाँ मार समय पार हो गए बा, बुला ले वापस बैजुआ के, कहा तो बानी कि अब ना नाची। मोरा आखियां के निनिया राम बरनिया।
के कोरिया राम ने रिया भाई लेना मोर छोटिया के कोरिया खुशखबरी बा। का खुशखबरी बा? बाबूजी के माई मना लेनी। अब तो जल्दी से घरे लौटावा। जानत रा माई का बोली? माई बोली बैजू काम करे चाहता, वो अब कभू नाच गाना ना करी। भैया बाबूजी बहुत चाले तोरा, हम अपन कान से सुननी। कहत रहलन बड़ी उम्मीद रही बैजुआ से। भैया अब तो जल्दी से आजा, माई बाबूजी खुश हो जाइए। हेलो हेलो भैया, अरे बैजू, ए बैजू। हाँ गुरुजी। ओह, कुशवाहा जी के निमंत्रण आइल बा। मंत्री हवन, कला संस्कृति विभाग पटना में। अच्छा। सरकारी कार्यक्रम बा, बड़ बड़ लोग जुटियन, पत्रकारों सब रहिहन, तैयारी करा और ऐसन कुछ करे के बा कि आगे के रास्ता खुल जाए। नमस्कार महाराज जी। महाराज जी के प्रणाम। महाराज जी, अरे बैजुआ के किस्मत एकदम चचरा गई बा। अरे भैया जी तो एकरे डांस पे दीवाना बन गइल बाड़े। बुलावा भेजले बाड़न बैजुआ के खातिर। अरे स्पेशल प्रोग्राम अपने द्वारी पे रखले बाड़न। आप चली और आप अपना टीम के लेके पधारी के कष्ट करी। ओह, बैजुआ से पूछे के पड़ी। बैजुआ तो सोझवे बा, पूछ ले। बैजुआ के तो किस्मत खुल जाई। कारे बैजुआ का सोचत बाड़े? महाराज जी, हम अब सोच ले बानी कि अपना कला के सस्ता लोग के सामने ना बेचब, बल्कि अपने कला के प्रदर्शन करब उ लोग के सामने जेके कला के कदर होगी। भले हम एगो लौंडा नाच करे वाला साधारण लड़का नहीं, लेकिन आपके शागिर्द बन के अब हम कलाकार बन चुकल बनी। और अभी कलाकार के केहू खरीद ना पाई और ना ही अब केहू के इशारे पे नाची। अब हम सोच ले बानी, हमार सुरताल हमरे मर्जी से लगी, केहू के बंदूक के नोक पर ना। और अब हम भले भूखे मर जाए, लेकिन पैसा खातिर केहू के अपन अपमान ना करे दे। ना जाई है का हमर बोलाबा के ठोकरा देलस। तू
कौड़ी के लंडा नाच करेवला बेजुआ के इतना हिम्मत? ससुरा भुक्ति, भारी भोगान भुक्ति। बचपन बीतल नही भइल नही उमिरिया हमार, बेदर्दी पलमुआ मांगेल गबना हमार। कला का सम्मान ही एक कलाकार का सही भुगतान है और इसी से कलाकार को संतुष्टि मिलती है। जब भी किसी कलाकार के कला का सम्मान होता है तो उस कलाकार का अपनी कला के प्रति प्रेम और बढ़ जाता है। मैं अपनी कला को अपने माता पिताजी को समर्पित करना चाहता हूँ, क्योंकि जो कुछ भी सीखा है उनसे ही सीखा है और अब इसको समझने का प्रयत्न कर रहा हूँ। अगर जनता जनार्दन का प्यार आशीर्वाद मुझे ऐसे ही मिलता रहा तो मैं इस विधा को जीवित रखने में जरूर कामयाब होऊंगा। कलाकार को स्नेह और प्यार मिलना चाहिए, तभी हम लोग महेंद्र मिसिर जी और भिखारी ठाकुर जी के सपने को साकार कर पाएंगे। सर, आपने इस कला को क्यों चुना? बैजू जी, आप यहाँ तक पहुँचे, आपको कैसा महसूस हो रहा है? सर, आपको इस कला को अपनाने में बहुत परेशानी आई होगी, उसके बारे में बताइए।
छोटे से गांव के गरीब परिवार में पला बड़ा बैजू भोजपुरी लोकगीत के साथ लौंडा नाच को देश विदेश में ख्याति दिलाने को अग्रसर है। लौंडा नाच को एक अलग रूप में प्रस्तुत करके बैजू ने इस कला को बहुत बड़ा सम्मान दिलवाया है। बाबूजी, बाबूजी ये देखा, माई माई भारी आवा, बाबूजी ये देखा बाबूजी, माई अरे माई भारी आवा जल्दी। अरे का हो गए, काहे चिल्लात बाड़ू? अरे माई ये देखी का छपल बा ली पड़ी देखी। अपन भेजो हमार भैया का लिखल बा तेरी पढ़ा था। कला का सम्मान ही कलाकार का भुगतान है। कलाकारों को भीख नहीं प्यार चाहिए। मच्छरियावा गांव का लड़का बैजू ने अपने कलाकारी से सबको मंत्रमुग कर दिया। लोगों ने कहा कि एक दिन बैजू अपने देश का नाम रोशन करेगा। बैजू ने अपने अंदर इस छिपे प्रतिभा का श्रेय अपने माता पिता को दिया है, जो काफी पहले गांव में घूम घूम कर पूर्वी और विदेशिया गाया करते थे। हुआ सही कह रहे, वहां प्रोग्राम करके मजा आ गई। पहली बार पता चलल कि जब कलाकार के सम्मान मिलेला तब कैसन महसूस। चला अब तू अपन बाऊजी से बात करा। ऐसे अपन परिवार से अलग रहल कोनो ठीक बात नहीं खे। कहे महाराज जी, रहुआ भी ता महाराज जी कबो पूछे के मौका ना मिले रहुआ और परिवार के बारे में। माँ बाऊ जी के गुजरला के बाद बस ही कलाकारी में ही जीवित हई। ई घर के हम अपन आश्रम बना लेनी। ये कहा कि ई आश्रम के ही अपन घर बना लेनी। बाकी तू ना घर बसावे के सोच बैजू, घर उजाड़े के ना। तू कहा त तहरा लागी जोड़ी ढूंढी। का महाराज जी, हमरा से कौन लड़की भी आ गई? लौंडा डांस करे वाला लड़का के क्या अपन दामाद बनाई? केहू दामाद बनाए ना बनाए, पर केहू पति जरूर बनाई। जेकरा के ओकर घर वाला ही घर से निकाल देले होके, ओकरा साथे घर बसावे के बारे में केहू का सोची? सोची, जरूर सोची। बस तू समय के इंतजार करा। कली मास्टर साहब भिड़ी जाए के पड़ी। काहे का हो गए अचानक? अरे बिनती करब उनका से चंदा के विवाह के ले जाई। पता बा उनका घर में चंदा सबका बहुत ही पसंद बा। लड़कों के ट्रेनिंग चालू बा, जल्दी नौकरियों लाग जाई। हमनी के कुछ हो करके चंदा के विवाह करे के बा बस, वरना ही बैजुआ इज्जत के सत्यानाश कर दे ले बा। केहू के पता लाग जाई तो कौन ई लौंडा नाच करे वाले के घर में बिहा शादी करी। बस जल्दी से बिहा हो जाए। तू अपन गहना निकाला, थोड़ा बहुत खेत बा वो बेच दे, फिर जल्दी से बिहा करके बेटी के विदा करे के बा। अरे चला तू बिहा के तैयारी करा। इतना सब कुछ जल्दी कैसे होगी? अरे हो जाए, सब हो जाए। ऊपर वाला सब कुछ करी, कहीं नहीं नू, तू बस बिहा के तैयारी करा। हाँ हो जाए। हम नहीं के कहत कि राउर चिंता जायज नहीं खे, बाकी हमरो भी तो समाज में मान सम्मान बा। अब हमरा बेटा के राउर बिटिया पसंद बा त हमो ही बिया खातिर तैयार बानी। बाकी ई बात के ख्याल रखब
ये शादी बैजू के बिना संपन्न हो जाए। हमार भरोसा करी मास्टर साहब, सबके पता बा कि हम ओकरा कबे के घर से बेघर कर चुकल बानी। हमनी के कौनो रिश्ता नहीं खे। रउआ तो बस बरात लियावे के तैयारी करी। हेलो हेलो भैया। हाँ बोला चंदा। भैया भैया बाबूजी हमार ब्याह करावता रे। किकरा से? उहे मास्टर जी के लड़का अंश से। लड़का तो अच्छा बा, हमू तो ये चाहत रहे कि तोर ब्याह वही जे होके। तो ब्याह में तू ना आई बा का? भैया कैसे हो करके घरे आ जाइया। तू ब्याह में ना आई पर तो हमरा अच्छा ना लागी। भैया कुछ हो करा पर शादी में जरूर रहिया बस। हेलो 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 भैया का भाई चुप काई हो गई ला? तू आई बाना? देखो भैया बाबूजी कुछ हो बोलस तू चुपके से आ जाई है तोहरा के हमार कसम बा आइया जरूर। बड़ी मुश्किल से मास्टर साहब तैयार भइल बड़े ब्याह खातिर। हमऊ समझई नहीं उनकरा के बैजू अब हमार परिवार के कौनो हिस्सा नहीं खे तो कहलन कौनो कीमत पे बैजू ब्याह में ना आए एकर ख्याल रखी। अरे बिटिया बहुत बड़ी हो गई। आओ बेटा। नमस्ते। आओ बेटा। आओ सब ठीक बा? अरे बउआ सब ठीक बा? चलो आओ आओ। हो गई कि ना बारात पहुंचे वाला बा। नंदुआ बतावत रहे कि बाराती खूब सज धज के आयल बाड़न जा बहुते कार जीप लेके। हाँ अच्छा हाँ। चंदा सुना? अरे हाय देखा अब ये से रोवे धोवे लगलो। एकरा खातिर ना बहुत टाइम बा। विदाई के टाइम मन भर के रो लिया समझ लो। हाँ बेचू भैया फोन नहीं। चंदा सुप्रिया बेटिया नाम मत लिया होकर सब बर्बाद हो जाए। बड़ी मुश्किल से ये रिश्ता हो रहा बा। लेका वाला इज्जतदार परिवार से बा उनकरा के पता बा कि अब बैजू से हमने के कोनो संबंध नहीं के। बैजू ही घर से निकल चुकल बा। अब अपन सकल सुधारा बरात आ गई बा। इकरा के रखता जल्दी करा तू सब। इकरा के रखता ना आई मास्टर साहब। किशन जी रवा मालूम बाटे ना कि ये ब्याह कौना शर्त पे तय भल रहे। रवा हमरा से झूठ बोलनिया वो लौंडा नचनिया बैजू कब्बो ये घर से अलग ना भल रहे और ना रवा ओकरा के कब्बो एक घर से बेदखल कहले बानी। वो ये घर के हिस्सा रहल बा और अभियो बा
का कहा था नहीं समधी जी? समधी जी नहीं है कहीं तो अच्छा रही। अब अरे राउर बेटी हमार बहू नहीं के बनल, ये बरात वापस जाए, ये ब्याह नहीं के हो सकत। बाबूजी का भाई रुआ ऐसा करब? बाबूजी देखिए कुल ठीक नहीं है, हमने के अपन घर खातिर बहू चाहत रही ना, और अगर ई ब्याह ना भइल तो हमने की इज्जत बर्बाद हो जाएगी। अरे अगर ई ब्याह हो गइल तो हमारी इज्जत नीलाम हो जाए, तो चुपचाप जाके गाड़ी में बैठा। ई ब्याह ना हुई ई हमारा आखिरी फैसला बा। मास्टर हम बर्बाद हो जाए मास्टर साहब, हम समाज में का मुंह दिखाई, विश्वास करी रहो हमनी के, हम कहते नहीं ना तक केहू से पूछ ली। बैजू कई महीना से यहाँ नहीं खे रहा, हाँ ओकरा संग हमार कौनो रिश्ता भी नहीं खे, विश्वास करी हमनी के। तो फिर ऊ के बा जे राउर घर में राउर बेटी संगे मौजूद बा, हाँ के भाऊ? भैया अगर तू ना आई तो अब तो रह के कभू ना माफ करती। अरे पगली कहीं तो हमारे बहन हो तू, हम तुम्हारे तो शादी में कैसे ना आई थी, कैसे नाराज करती तो के? नाराज तो तू कुल बराती के कर देला, बताना कौन जन्म के बदला ले ताड़ा। लौंडा नाच करत करत मन नहीं के भरल तो आ गईला अपन बहन के डोली रोके। अरे लौट गई बरात। भैया मास्टर साहब रुक रुक, मास्टर साहब रुक जाए, रुक जाए मास्टर साहब, मास्टर साहब गाड़ी रोका। मास्टर साहब ऐसा मत करी मास्टर साहब, मैं हमरे बहन के का गलती बा मास्टर साहब, हमरे माई बाबूजी के का गलती है? आप सोच चिकर दरवाजे से बारात लौट जाए वो लड़की के काल होई, गलती हमारे मास्टर साहब। जो सजा देवे के बाद हम के दी मास्टर साहब, अरे बहन के ना मास्टर साहब, अरे हम तो एक घर से बेघर हो चुकल बानी, और वो हम के कसम दे दो कि भैया भैया एक बार मिले आ जा तब चोरी से उसे मिले आगे नहीं। मास्टर साहब हम आपसे वादा कर दा नहीं कि हम बहुत दूर चल जाए और लौट के कभी भी हम यहाँ ना आए मास्टर साहब, हमरे बहन के कोनो कसूर ना मास्टर साहब, ओके माफ कर दी गरीब प्रेम गरीब मास्टर साहब, और बारात वापस ले चले, हम आपके आगे हाथ जोड़े तारी मास्टर साहब। चला मास्टर साहब ए बैजू, जौन होवे के रहे हो गई, ऊपर वाला के कुछ और मर्जी होई। तू मजबूत इंसान बड़ा, फाइटर बड़ा, ऐसे रोवल ठीक नहीं खे। अब के कलाकार नहीं के रोवल महाराज, एगो बहन के अभागा भाई रोत, पता ना हमार बहन कोने हाल में होगी। चवन भाई ठीक है भाई, चौन परिवार भाई बहन के अलका करे, दुआरी पे आके बाप के पगड़ी उछाले वो परिवार के बहु बने के हमरो कोनो शौक नहीं खे। खैर बाप भगवान हमरा बचा ले ले।
बाबूजी। रवे कहत रही नू कि भीख मांगला से कुछ ना मिलेला, कुछ करे के बाद अपने आप की उ लायक बनावा। पर रहुआ तो फिर से चल गई रही मास्टर जी की आप भीख मांगे, देख लेने नू का मिलन। बाबूजी परसों पहले रहुआ कवन कसम खाइल रही, खेकरा खातिर खाइल रही, अपना बेटी के खातिर नू तेरा ज उही बेटी के ऐसन पेचला से रहुआ के सुकून मिली का। बैजू भैया ये घर के सदस्य रहलन और रही है, जेकरा हमरा अपनावे के बा हमरा अपनाई, एही रूप में जैसन हम बानी, हमरे बदले के जरूरत नहीं के। महाराज जी के दिल का दौरा पड़ल है। का महाराज जी के दिल का दौरा पड़ल बा। महाराज का हो गई? ए गाड़ी बुलाओ, लोग ले चला हॉस्पिटल। ना बैजू ना, अब हमरे पास समय नहीं के बेटा, हमार आखरी इच्छा बा लड़की के अपन धर्म पत्नी बना के ले आइया और आश्रम के बहू बना के रखिया, एकरा में ओकर पता लिखला, उतार इंतजार करती है। भेजो महाराज। निकल रे बजुआ रे, चल बाहर निकल। अब इन्हें आने का रे, तू तो हमारा निमंत्रण ठुकरा दे ले, कम से कम अपन ब्याह के निमंत्रण तो हमरा के भिजवा देता का रे, का लगल तहरा के का तहार ब्याह में हम आ जाती तो तहार मौगी के छीन लेती तहरा से। हाँ भैया जी, कम से कम आज तक हमरे इज्जत के ख्याल करी। हम तो तहार इज्जत बढ़ावे खातिर आयल बानी। चला कोनो बात ना, अब तू ब्याह करिए लेला तनी कनिया के हम मुंह देखाए कर ले। भैया जी ऐसे कहा यहाँ सड़क पे करता नहीं, हमरा बारे में ना तो कम से कम तनी ओकरा बारे में तो सोची, उ का सोची। ठीक बा ना, जाके ओकरे से पूछ लेता नहीं कि का सोची है, तनी कनिया के मुंह देखाए कर लेता नहीं। ए, अब पट से बाहर आईबू कि अंदर घुस के हमरा तहार दर्शन करे के पड़े, तनी हम हूं तो देखी कि लौंडा नाच करे वाला बेजुआ से के लेकी ब्याह के ले बिया।
अरे का नाम बाप तुहारे झुमरी झुमरी नाम बा हमार हम ब्याह कईले बानी लकर ल मुंह दिखाए के रसम पूरा बहुते शौक रहे ना हमार दर्शन करे के ए, ए, हटा बंदूक अरे हटा ना ए तहरा मालूम नहीं खे कि तहरा सामने भैया जी खड़ा बालन कोई मामूली गांव वाला ना ना तो ई बंदूक हटी ना हम जिंदगी से प्यार होके तो अपन चमचन के साथ निकल जाए यहाँ से तू टके की लड़की तू भैया जी से मुंह लगावती अबे खबरदार अगर हम मेहरारू के बारे में एक शब्द भी गलत बोल रहा था ना निकला यहां से आज पहली बार लागल है कि केहू हमरे साथ खड़ा बा आज पहली बार एहसास भइल कि हमहू मर दे लौंडा नाच करत करत हम तो अपन मर्दानिये भुला गए लनी शायद यही से कहल जाला कि हर मर्द के सफलता के पीछे एक औरत के हाथ होला जौन सम्मान आज तू हमके दियो लुआ हम जिंदगी भर ना बुलाई आज से राउर पैर सम्मान के साथ थिरकी ओकरा में बांधल घुंघरू की आवाज खाली बिहार ना पूरा दुनिया में सुनाई दी माई जन्म देती हमरा के छोड़कर चल गई ली कहे के तुम्हारा जी हमार बाबूजी रहलन बाकी बेटी होके के सुख हमरा कभू ना मिलल बाबूजी ना चाहत रहलन के हमरा के केहूं लौंडा नाच करे वाला के लईकी जाने यही खातिर हमार पालन पोषण नानी की आ भई नानी हमार सब कुछ रही हमरा के पढ़वली लिखवली बड़ा कैली बाकी नानी के गुजरला के बाद हम बहुत ही अकेला महसूस करे लगनी तब रउआ आई नी हा हमार जिंदगी में हम हमेशा छुप छुप के रउआ के नाचत गावत देखत रही बाबूजी हमेशा फोन करत रहन और रउरा बारे में बतावत रहन ऊ चाहत रहन कि रउआ बहुत बड़ कलाकार बनी आ फिर हमनी के ब्याह करवाई हैं अब अचानक वो दुनिया से चल गईलन बहुत बड़ जिम्मेवारी छोड़ के गईल बाड़े रउआ ऊपर और हमरा ऊपर भी जी सर हाँ मैंने आपको मेल किया एक बार आप देखिएगा जी थैंक यू सो मच का जुगाड़ लगाओ तरु जुगाड़ ना प्रोग्राम फिक्स कराता नहीं बहुत बड़ी इवेंट मैनेजर से बात हो गई बा ई देखी एगो आउरी कंफर्मेशन आ गई अरे सबके का जरूरत बा बा बहुत ही जरूरत बा राउर अंदर जौन कला कुट कुट के भरल बा वो पूरा दुनिया के दिखावे के बा
महेंद्र मिसिर और भिखारी ठाकुर की कला के विरासत को आगे बढ़ाता हुआ एक छोटे से गांव में पला बड़ा गरीब परिवार का लड़का अपने सपनों को पूरे देश में साकार करने में लगा हुआ है। पिछले एक साल में बैजू ने हिंदुस्तान के लगभग सभी बड़े शहरों में अपनी कला का प्रदर्शन कर बिहार के इस लोक कला को अलग मुकाम पे पहुँचा दिया है। यह हाल रही तो जिंदगी भर खातिर बिजी हो जाइब हम। जब से भी आ भइल बा बहरे बाहर घुमावत आरू। कुछ ही महीना में पूरा भारत के दर्शन करा देलू। अब लंदन से इनविटेशन आइल बा, लोक कला के फेस्टिवल हो रहल बा, पूरा दुनिया से कलाकार जुटी हैं। आ इंडिया से जाइब रहुआ। हम जाके का करब, हमरा अंग्रेजी बोले के सहुरे ना। इंडिया से कला संस्कृति विभाग की टीम जाता। रउआ चिंता करे के कोनो जरूरत नहीं खे। भूली मत कि अब रउआ बैजू नहीं खी, बैजू महाराज बानी। तू तो नाम ले ले लू हमार। सॉरी आज के निकल गेल खुशी में। कोनो बात ना, हमरा के अच्छा लगल। अच्छा एगो बात बताओ, हम लंदन चल जाए, तू यहाँ अकेले रहो? तू चला लंदन आश्रम की संभाली और हम अकेले कहाँ बानी? हमार घर बा, सास ससुर ननद सब बाड़े। आज ना तो कल उनके लगे जाए के रहे, अब सही समय आ गेल बा आपन गृह प्रवेश के। बाबूजी ना स्वीकार करिए हमके। हमरा तो करी है नू स्वीकार। रची जेबना हम अपने बनाइब, रची रची जेबना हम अपने बनाइब, बिनिया डोला के दुलार से जेवाइब, बिनिया डोला के दुलार से जेवाइब, तल फल जवनिया के हो, तल फल जवनिया के तनिका जोगा के सवेरे के सवेरे जई हा राजा, सवेरे के गाड़ी से चल जई हा राजा, तनिक भर बोल बतियाल मोर राजा, तनिक भर बोल बतियाल मोर राजा।
राती सैया तोर टहल बजाइब कहबत करब नात निकाल जाइब दिन राती सैया तोर टहल बजाइब कहबत करब नात निकाल जाइब छछने लगनवा के हो छछने कहे कहे महेंद्र से राजई बराजा कहे महेंद्र से राजई बराजा तनिक भर बोल बतियाल मोर राजा होते पराते होते पराते चल जई हो मोर राजा तनिक भर बोल बतियाल मोर तनिक भर बोल बतियाल मोर राजा 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 चाय देखा ना अखबार में कहाँ निकलल बा देखी बाबूजी राउर बेटा कहाँ से कहाँ पहुँच गए बाटे अच्छा पढ़ा कहाँ लिखल बा लिखल बा एक पिछड़ा गांव का गरीब लड़का बैजू का बैजू महाराज बनने का सच भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए बैजू महाराज आज लंदन के लिए रवाना लंदन बिहार प्रदेश के एक छोटे से गाँव मच्छरियावा का एक गरीब लड़का बैजू अपनी कला के दम पे आज लंदन तक का सफर करने में कामयाब हो गया है बैजू महाराज लंदन में लोक कला महोत्सव में भाग लेने के बाद कई कार्यक्रमों में शरीक होंगे पटना एयरपोर्ट में पत्रकारों के संग बात करते हुए उन्होंने बताया कि उनका यह विदेश दौरा लंदन के बाद अमेरिका और यूरोप के कई अन्य देशों में भी जारी रहेगा हमारे पटना संवाददाता के पूछने पर उन्होंने बताया कि यह पल उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ तक पहुँचने का श्रेय उन्होंने अपने माता पिता और गुरु व्यास जी महाराज को दिया साथ ही उन्होंने अपनी पत्नी झुमरी देवी का आभार जताया जिसके प्रयास से आज वो विदेश में अपनी धरती से जुड़े कला का प्रदर्शन करने जा रहे हैं देख ले लू सुनाई देलस कि ना तोर महाराज बियाह करके आपन घर बसा लीलन बाकी तहरा याद करे के समय ना मिलल उनका और तू पढ़ ले लू बड़ा प्रेम रहा है भाई बहन मा हा? हो गई दिल का तसल्ली पूरा हो गई सपना बहुली आवे के हमार तो सपना तब पूरा हो ही जब आरती उतार के बहू के घर ढुकाई करब तो कर लीना अपना सपना पूरा अम्मा जी चंदा रुका पहले आरती तो उतार ले विदा जा लोटा भर के चावल ले आ जा लावती माई हाँ
लेकर आई। रुको, बहू के पांव ही घर में एक ही शर्त में पड़ी, चाहे कुछ वो हो जाए बहू ये घर छोड़ के कभी न जाई। खुश रहो। तो नहा तू तो फला, बस 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 आवा भीतर आवा। चली भौजी। अरे सारी, अरे एक बात पूछे के बाप, रवा के भौजी कहे कि भाभी कुछ हो जॉन तरह के नीक लागे। भौजी बुलावे में अपनापन ज्यादा लागे ला, भाभी तो नहीं। बाकी हम ना रउआ के देखे तनी कंफ्यूज आ गई बानी। भौजी रउआ बहुत निम्मन बानी, एकदम ही घर के सदस्य लागे नी। काश बैजू भैया भी आई तन रउआ संगे। अरे आ जाई है, जरूर आई है, आपकी विदेश से लवट के यही जे आई है। बहुत दुखी रहन तोहरा याद करके, हमेशा तोहरे बारे में सोचत रहत रहन। उनका बहुत सदमा लागल रहे जब तुहार बारात लवट गई रहे। सब किस्सा सुनवले रहन, तबे से हमार मन करत रहे कि कैसे जल्दी से आके हम सब केहू से मिली। बाकी उनकरो जीद रहे कि पहले कछु बन जाई तभी घरे वापस लौटब। अरे अब कतना बनी है, अतना बड़ तो बन गई लन। अरे अम्मा जी, अम्मा जी। हाँ रवा। हाँ? खुश नहीं की हमरा एला से? अरे अरे ऐसन कौनो बात ना। हाँ बिटिया, हम कहे ना खुश रहा, हम तो बहुते खुश बानी। हाँ अगर तू भैजुआ के संगे आयतु तौरी बेसी खुश होती, पर कौनो बात नहीं, हम बहुत खुश बानी। ए चंदा, चंदा आज बाबूजी निकलत नहीं घरवा से, तनी जाके पूछा था कि का बात बा। माई हमरा डर लगता, हम ना जाए, पता नहीं का बोली है। अरे का है? हमारा वे से उनका की कोनो तकलीफ बा का? नहीं अम्मा जी, कही तो हम पूछ ली ही। अरे गोदावा
बैजू, बैजू, बाबूजी, वो ऐजा कहाँ बाड़े? वो तो लंदन में। प्रेम की नाव कुदाव पसी मन मोर मलाह सलाह कहाँ अवसर था सो छूट गया जल आवत जात न जोर रहा है उम्र नदी तनी उमगे सखी जोवन के धन जात कहाँ है कहे महेंद्र लाज तजो सखी जब प्रेम कियो तब लाज कहाँ है ननक तक धाती तक तिनक नक पट घिनक घिनक धाती तक तिनक तक 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 दान तक दान धा धा मन के गोद नहरी काना चलन जहवा रहेली हो राधा गौवा में घूम के काहे नंद के ललनवा केहू गोदवाई का गोदनवा तोरे करन हम भैनी मारा
गोदावा केहू गोदावा ई का गोदावा। हम सच कहा था नी, ब्याह टूटे के सबसे ज्यादा दुख हमरे के भल रहे। वो दिन पता ना का भल रहे बाबूजी के, हमू ना समझा पाई नी। बैजू भैया बहुत समझोले उनका, पर ऊ बेरा ना जाने उनकर मन में का सवार रहे। बैजू भैया के गिड़गिड़ावत देख के हमरा के बहुत बुरा लगत रहे। तबे हम सोच लेने की चाहे कुछ हो जाए ब्याह हम चंदा से ही करब। रउआ से हमार निहोरा बा कि हमरा के माफ कर दी ही, और ये हमनी के ब्याह खातिर हाँ कह दी ही। यदि ये ब्याह ना भइल तो ये कलंक हम ना सह पाई, हाँ कर दी ब्याह खातिर। हमनी के हाँ कहले से का हुई? मास्टर साहब के मंजूर होई का ये ब्याह? हमार बात हो गई बा उनकरा से, उनकरा अपन कैला पे बहुते पछतावा बा, बस यही कारण उचा के भी रउआ सामने ना आ पैलन। हम उनकरे आदेश से ही आयल बानी। नमस्ते इंडिया। नमस्ते लंदन। नाइस टू मीट यू फाइनली। अच्छा आपको हमारा लंदन कैसा लगा? अरे आप लोग सोच रहे होंगे ना कि मैं इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल लेती हूँ। वो क्या है ना, मेरी मॉम भी इंडियन है और वो बिहार से हैं। स्पेशली आज यहाँ आपसे मिलने आई है मॉम। दिस इज बैजू महाराज आई वाज टॉकिंग अबाउट। नमस्ते नमस्ते। इकान बाबू कि रउआ से हमारे एगो विनती बा कि आज रात के भोजन हमने के साथ है हमारा घर पर करी। अरे बाप रे, लंदन में इतना खाटी भोजपुरी हम सपनों में ना सोचले रहे कि लंदन में क्यों इतना खाटी भोजपुरी बोली। अरे रउआ जब इतना बढ़िया भोजपुरी बोलता नहीं तो देसी पकवान भी बढ़िया बनाओ तो कर। एकदम खाटी बिहारी। अरे तब तो हम जरूर आई। पहुंची का भाई, इतना देरी तक ने रहुआ जागल बानी, केकरा फोन लगाते नहीं आधी रात के। अच्छा तो भैया से बात हो रही बाप। फोन उठाइयन तबे नु बात करब। बहुत अच्छा खाना बनल बा जी। हम तो सोचल हूँ ना रही कि लंदन में इतना बढ़िया देसी खाना खाए के मिली। रउआ से मिल के रउआ बारे में सब कुछ जान के हमरा बहुत अच्छा लगल। काहे कि भारत से बहुत सारा कलाकार आवेलन और सबका से मिले खातिर हम जरूर जाइला। बाकी पहला मौका बा कि रउआ साथे बैठ के एक साथ है हमनी के खाना खाता नहीं जा। इता हमार सौभाग्य बा जी कि यहाँ विदेश में आपके हाथ के बनल इतना स्वादिष्ट खाना खाए के मिल रहा बा। जी आप रिसीव कर सकते हैं। हेलो, कहाँ बानी रउआ? पिछला 4-5 घंटा से रउआ के फोन लगावतानी। लंदन जाके इतना बिजी हो गई नी? अरे ना, कार्यक्रम खत्म हो गया। हम आयल बानी कियारा के घरे खाना खाए। खाना खाता नी, बाद में कॉल करी ले दोगे।
हेलो भौजी, का भइल, का कहलन? फिरंगी लईकी संगे खाना खाता रे। और कुछ ली ना? हाँ ठीक बा, आप लोग ली? अरे खीर तो वो नहीं रह गई, हम लेके आओ तनी। अरे आराम से खाए ना, फिर ले। ना ना, लेके आओ तनी, खाए तब तक। आपको पता है, हमने आपका कई जगह पे प्रोग्राम फिक्स कर दिया है। लगभग एक महीने शेड्यूल फिक्स्ड है यहाँ इंग्लैंड में, फिर उसके बाद अमेरिका और फिर यूरोप का टूर भी हो सकता है। जैसी आपकी इच्छा। मैं तो कलाकार हूँ, बस मुझे अपनी कला का प्रदर्शन करना रहता है। फुल ऑफ टैलेंट यू आर। थैंक यू। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभैले सुतले बानी का? का भइल हो? 9 बज गई। अरे 9 वहां न बजता, यहां सवेरे के 5 बजता। अरे हाँ, सॉरी, रउआ के जगा देनी। राउर कॉल ना आइल तो हम सोचने की हम ही फोन कर ली ही। हाँ, बिजी हो गई रही, फोन ना कर पेनी। अब अगला बार हमू आइब संगे, फिर कुछ हो ना भूले देव, बुझाइल? हाँ ठीक बात, ठीक बात, तैयारी कर ला, अगला बार तुम आ जी। चंदा के ब्याह के दिन रखा गई, अगला हफ्ता 7 तारीख के। का रउआ जल्दी से आवे के प्लान बना ली? इतना जल्दी? अरे तू तो हमके यहाँ फंसा दे ले बाड़ू। लगातार यहाँ प्रोग्राम होता, अभी लोग पता न कहाँ कहाँ के प्रोग्राम बुकिंग कई ले बा। इतना इतना जल्दी हम कैसे आ पाए? आवे के तो पड़ी, बहिन के ब्याह बा। बात करी वो इवेंट वाली कियारा से? आप ऐसे कैसे जा सकते हो? अभी तो आपको और भी शोज करने हैं। और यू नो, ये शादी का क्या है, आप नहीं भी जाओगे तो हो जाएगी ना, आप बाद में जाके उनसे मिल सकते हो। आप लकी हो कि आपको पहली बार में इतने सारे शोज मिल रहे हैं, आपको खुश होना चाहिए। और ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। एक कलाकार को अपनी कला से प्यार होना चाहिए। बाकी द शो मस्ट गो ऑन। बदल गए बाड़े भैया आप, बहुत बड़ महाराज बन गई ना, इतना मानत रहन हमरा और हमरे ब्याह में ना आए। बोची, उनका बिना ही ब्याह कैसन लागी? तू चिंता जन कर, वो कोशिश कर रहल बाड़े, हम उनकरा से एक बेरी औरी बात करब। ओजी रवा केहू तरी उनका के आवे के कही, वो ना आए हन तो एक गांव का लोग का सोचे? जनी रुआ, पिया कहले किए हो मोरे रामा, किए हो मोरे रामा, सुकवाओ गल तब गईलन भागल एरा, किए हो
रे साजनी पियावा गई लन बिदेसवा रे साजनी पियावा गई लन बिदेसवा रे अरे थोड़ा नाश्ता पानी देख ले आओ। ठीक बा जाओ। प्रणाम। बधाई हो किशन भाई रघुआ। अरे आई 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 घर तो एकदम झिलमिला था। हाँ वो सुनिए बैजू महाराज ना पहन शादी में वो कहा कि कोशिश तो बहुत कैलस लेकिन विदेश के प्रोग्राम तो थोड़ा नमस्ते मुश्किल। नमस्ते बेटा आवा आवा बारात बारात आ गई बा संजुआ बतावत रहे कि बहुत सारा गाड़ी आवत हाँ 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 चला 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 कर देखी जाए जल्दी करो। हाँ चला चला ना एहन भैया नु मन बहुत दुखी बा हमार भैया से उम्मीद ना रहे वो तो कहत रहन कि चंदा के ब्याह खूब धूमधाम से कर और अपने न आइलन बदल गई पारे भैया शायद तू ठीक कहा ताड़ू। बैजू भैया आ गई लन बैजू भैया आ गई लन हम देख क्या बता ली भाई बतार आई ना अरे जान देवे ला तारा पर अब खुश किया रहा है। हाय। ओ, ओके। नमस्ते। 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 अरे बगले, तू ऐसा सोच भी कैसे ले लो कि तुहार भैया तुहरे शादी में ना ही है। दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन हम तोरे शादी में आए थे ये कभी ना हो सकेला। हाँ। अच्छा सुना ये आंसू ना बचा के रखा कहीं विदाई के टाइम पे ना निकली ना बहुत बेइज्जती हुई भैया। कैसे कर सकेला बाबूजी कहाँ बाड़े कोनो गलती हो गई होके तो माफ कर दी मास्टर साहब अब बारात निकाले के निमंत्रण स्वीकार करी। किशन जी बेटा के जिद पे हम बारात एजा तक तो ले आई नहीं बाकी
द्वार पे तो बारात तभी आई जब हमार मांग पूरा हुई। मास्टर साहब, हमरा से जौन बन पड़ी हम सब पूरा कर दे। बारात आवे के बाद अचानक कुछ हुआ मांगल ठीक नहीं खे ना। किशन जी, हमार मांग तो पूरा करा ही के पड़ी, ना तो बारात एजा से टस से मस ना होई। ऐसन कौन मांग बा रौरा, का चाहिए? बस एके गो मांग बा, एके गो। बियाह के पहले बैजू महाराज के एगो कार्यक्रम हो जाए बस। रहुआ अगर कही तो हम अपना से जा करके बैजू महाराज से निवेदन करे के चाहब। अरे एकर कौनो जरूरत नहीं के, हम जाके बैजू से बोलत हैं। हो गैलू रवा लोग के मन के मुराद पूरा, अब तो हम अपन कर्जा माफ समझी नो। उतरल अजोरिया बचह कत अटरिया गम कत फुलवरिया जनकपुर नगरिया तुलहा के लटकल कन्हावर कमरिया ले अदुलहिन के शोभत बा ई लाली चुनरिया जनकपुर आज उतरल बा सियावर राम के सेहरा जनकपुर आज उतरल बा सियावर राम के सेहरा जनकपुर आज उतरल बा सियावर राम के सेहरा सियावर राम के सेहरा सिया निर खेझरो खे से सिया निर खेझरो खे से प्रीतम श्री राम के सेहरा महल में सज गईल कोहबर गूंजे लगीत मंगल के गूंजे लगीत मंगल के महल में सज गईल कोहबर गूंजे लगीत मंगल के गूंजे लगीत मंगल के दुल्हन वर माल में गुथली दुल्हन जय माल में गुथली दूल्हे के नाम के सेहरा महाराज। एक बात तो बा भाई कि तहरा जैसा लौंडा नाच केहू ना कर सकेला। अरे तनी हमरो मजा दे दा भाई, आवा तनी सोचा के नाचा, आवा नीचे आवा। अरे आम रे, अरे आई बे, आवा। बैजू रुक जा, बैजू रुक जा। जेकरा कला के कदर नहीं खे ओकरा सोझा नाच के आपन और आपन कला के अपमान मत कर। है किशन अरे महाराज जी होई दुनिया खातिर हमने खातिर तो ये लौंडा नाच के नचनिया ही है ना रे।
पीछे हट जा बैजू। आए, किसान, ये अगर पीछे हटी ना तो फिर मास्टर साहब का कर्जा ना चुकी, और मास्टर साहब का कर्जा ना चुकी ना तो दुल्हा मंडप पर ना पहुंचे, समझले कि समझाई करे। बैजू, तहार बाप जिंदगी भर गलती कैलस, हम गलती कैनी तोहरा के संगीत से दूर रखनी, हम गलती कैनी तोहरा के नाचे से मना कैनी, हम गलती कैनी तोहरा से नाता तोड़ के ताकि चंदा के बियाह हो जाए। आज तू हमार आंख खोल देला बेटा, अब चाहे जौन हो जाए, तू मंच के मर्यादा मत लांगिहा, एखनी जैसे नराधम लोगन के सोझा तू ना नाचिहा। अरे तू कोई ऐरा गहरा नचनिया नहीं खेरे, तू हमार बेटा एगो सच्चा कलाकार बैजू महाराज बाड़े रे, महाराज बोल ना ना जा। ना भाऊजी, हमके मत रोकी, हम अपना बहन से वादा के ले रही क्यों कर शादी बहुत धूमधाम से कराई, और आज अगर हमरा बहन की शादी धूमधाम से होता तब ओके दिमाजी, पहले भी नाचत रही, आज एक बार और नाचब। अगर हमार पैर थिरकला से केहू के कर्जा उतरा था तो ने काम कर लेवे दिभाजी। अरे बैजू महाराज जी, हमरा आवे से पहले ही कार्यक्रम शुरू कर देनी, तनी हमार इंतजार कर लेती। शुरू तो कर देनी पर मंच के नीचे का करत आनी। ओ भैया जी और ललन। महाराज जी, अब कृपा करके कार्यक्रम फिर शुरू करी, और हाँ, नाच फिर से मंचे पर होके। का भैया जी, आगहू ध्यान राखब, बैजू महाराज ई गावे के नाम पूरे देश के नाम रोशन कहले बाड़े। चली आए, कला के आनंद लेहल जाओ। आई आई बैठी ललन, चलो मिलत दिल तू अनजान, खुशी के फूल पर सतबा, खुशी के फूल पर सतबा। मिलत दिल दोनों अनजान, खुशी के फूल पर सतबा, गगन से फूल पर सतबा। आशीष सब देत बा युग युग, आशीष सब देत तेरा।
बेटी चेरैया के समाना हो बाबा बहिनी के बहिनी चिरैया के समाना हो भैया। कर पगली कहले रहनी ना तोर भी अब बहुत धूमधाम से कराई। बहिनी के उरे बहिनी चेरैया के समाना हो भैया। बहिनी चेरैया के समाना हो भैया। सुना ये सब कपड़ा ना हमारे बैग में पैक कर दो। और हाँ थोड़ा माई से कहिया कि एक डब्बा भेली रख दी और थोड़ा सा घी रखवा दिया और सत्तू भी रखवा दिया। वहां विदेश में घर के खाना की बहुत याद आवेला। कब जाए के बार हुआ? काले जाए के बा। यहां से पटना, पटना से दिल्ली और फिर दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट बा न्यूयॉर्क के। बताई लेते रहें कि कितना मुश्किल से आवता नहीं शादी में। और क्यारा बतावत रही है कि ये बार अमेरिका के प्रोग्राम लागल बा और सुन ले बानी कि अमेरिका और सुंदर देश बा। प्रोग्राम बहुत लंबा चली कहें कि प्रोग्राम की एडवांस बुकिंग हो गई बा। हमू सामान सरिया ले ले रही याद बाकी ना इबेरा साथ ही जाए वाला रही हम दोनों। ई देखी पासपोर्टो बनवा ले बानी हम। जब से आई बानी एको बेरा ठीक से बतियाईले नहीं की हमरा से। एको बेरा पूछ लहू नहीं की के हमार मन में का चलता। ई देखी बीजो लग गई रहे लंदन के। हम बात कैले नहीं क्यारा से। क्यारा बतावत रही है कि लंदन के वीजा लाग गेल बा लेकिन अमेरिका के वीजा लागल इतना आसान नहीं के। हमार खुद स्पेशल केस में वीजा लागल। स्पेशल केस? स्पेशल केस में पूरा टीम के लाग गई। एगो और ही वीजा ना लाग सकत रहे का? आ रहुआ एको बेर बताई नहीं ना कि रहुआ के लंदन ना अमेरिका जाए के बा। हमरा के खुद आवत घरी बतौली है कियारा। कौनो बात ना हम कियारा से रिक्वेस्ट कर ले बानी तो हर भी अमेरिका के वीजा लगवा दिए। जब वीजा लाग जी तो तू आ जाइया। ठीक बा हमरा और कपड़ा पैक कर दे। वीजा लगते ही आ जाए चल। ट्रेन आने वाली है। लेट्स मूव हरी। कैसे
दी है
जंतर बांधिली है हमारी नजरिया रे ननदी रे नदी।